हेलो भाई, मैं उन पवार। ये है डे टू अपना। आज हमें मनाली के अंदर, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, हम यहाँ पे रुके थे। अभी ऑफ सीजन है ना, तो यहाँ पे रूम बहुत सस्ते मिल रहे हैं अपने को। ये ऐसा अच्छा सा दिखने वाला रूम मात्र 800 रुपए में मिल गया। अभी यहाँ से निकलते हैं, टाइम हो गया 10। आज कहाँ का प्लान है भाई, कहाँ का मिशन है? खैर आपका तो मिशन चल रहे हैं। मिशन हमारा सरचू है। पहले सरचू जाने में लगते थे भाई 8 घंटे, पर अब लगते हैं सिर्फ 5 घंटे, क्योंकि अटल टनल बन गई है। अब मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ जो मनाली वालों को हम कल से ही दिखा रहे हैं। ये देखिए, 1 2 3 गो। ये देखिए, अब जैसे इस गाड़ी ने देखा भाई बंदे बैग लेके आ रहे हैं, मालिक तो डिग्गी अपने आप खोल देती है कि बैग रख दो। ये ना नवांकुर भाई बहुत ज्यादा नोटी है भाई। इसमें ना ये बूट, ये जो इसकी की है ना, इसमें बटन है। अब 2 बार इसको दबाओगे तो इसका इलेक्ट्रिक टेलगेट है, वो ओपन हो जाता है। ये तो आपको पता है कि कितने नटखट हैं, कैसे जोक मारते रहते हैं। कुछ निकालना नहीं, कुछ नहीं निकालना। देखो बंद भी अपने आप हो जाती है। हाँ, कल पुलिस वाले मिले थे अपने को बीच में, जहाँ चेकिंग कर रहे थे, दारू वारू तो नहीं लेके जा रहे हैं। इसमें आगे ही बटन आता है तो हमने वहीं से दबा दिया, तो अपने आप खुलने लग गई। तो उनका रिएक्शन वो भाई की, ये क्या है, ये कैसे खुल रही है, ऐसी अपने आप क्लोज। अरे बस बस, अरे क्या करेंगे भाई। ब्रो बटा व्यू, ब्रो निकल चुके हैं भाई। अब हम सरचू के लिए, जो की मनाली से 175 किलोमीटर से, और जो यहाँ के नजारे हैं ना वो बहुत मस्त है। अटल टनल यहाँ से 24-25 किलोमीटर दिखा रखा था एक बोर्ड पे। तो यहाँ पे चेकिंग करने के लिए रुकवाते हैं भाई आरसी, और अपना पोल्यूशन चेक करते हैं, तो वो दिखाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। यार दो यूपी की गाड़ी गई, उनको तो रोका ही नहीं यार। भाई यूपी वाले थोड़े ऐसे बदमाश होते हैं ना। तो ये अब हम एंटर करने जा रहे हैं भाई अटल टनल, सो लेट्स गो। इतने 10 साल लग गए हैं, 10 साल लग गए इसको बनाने। 40 की स्पीड है भाई यहाँ पे लिमिट ना। कैमरे लग रहे हैं, कैमरे लगे हो सकते हैं। क्रूज भी तो नहीं है यार इतनी महंगी गाड़ी में यार। चलो यार आप उतर के भाई, खाली टनल भाई, मतलब लोग पहले तो कितना जाम रहता था। अच्छा, मतलब कि लाइन में चलते थे, जाम तो खैर नहीं होता होगा यहाँ पे। लोग फोटो भी खिंचवा देते हैं अकेले भाई। 9 किलोमीटर लंबी है। हाँ 9 किलोमीटर। देखियो इनकी भैया ने उड़ा दियो। अभी जैसे हम अटल टनल से निकले ना, पहले तो व्यू देखो भाई। मतलब जो भाई बता रहे थे ना कि अलग ही दुनिया है अटल टनल के बाद, वो चीज है बिल्कुल। और एक चीज मैं बता देता हूँ, जैसे मैं आपको कल की वीडियो में बता रहा था कि हम पे कोई ऐसे पीसीआर वीसीआर टेस्ट नहीं है, तो अभी पुलिस वाले ने हमसे रोका और बोला कि कहाँ जा रहे हो। हमने बोला लेह लद्दाख जा रहे हैं। उन्होंने बोला कि अपनी आरटीपीसीआर, ई पास, वैक्सीनेशन, ये सब आप करके जाना। तो क्या करना है फिर? तो मेरे हिसाब से वहाँ पे रैपिड एंटीजन टेस्ट हो जाएगा। ऐसे उल्टा तो नहीं भगाएंगे है ना, पर भाई व्यू एकदम। वैक्सीन लगी हुई ना हमको एक एक, तो उसने ये भी पूछा था। हाँ एक तो लगी हुई है। देखो बर्फ दिख रही है तेरे को, बर्फ है अगर, मतलब वो सफेद अब इतनी बची है बस। यार तगड़ी चीज है, यहाँ पे लोग रोडन पर लेट लेट का फोटो भी खिंचवा। मतलब गाड़ी जीप लाने का नुकसान, गाड़ी की 200, जीप की 300। अरे भाई तो सफारी, बोलेरो, स्कॉर्पियो एक्सेट्रा। अरे भाई क्या ले लेते, मैं तभी बोल रहा था। अभी यहाँ पे सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं करा, खाएंगे ना मैगी का मजा अलग ही है। पर यार ये तो अलग ही चीज है, मैगी टाइम, ब्रेकफास्ट टाइम, वट एवर यू से। तो ये है भाई इंडियन ऑयल का जो आखिरी पेट्रोल पंप है, यहाँ पे फुल करा लेते हैं। तो इसके बाद ना 365 किलोमीटर तक कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। क्या नाम अंकुर भाई, एक कोई ले तक नहीं है। पर इसमें आधी टंकी तो हमारी में है ऑलरेडी, नहीं पहुंच पाएगी आधी में ना। अंकल कार्ड चल जाता है इधर, कार्ड सब चल जाता है यहाँ पे। यहाँ पे तो डीजल का रेट क्या है, 80-90 महीने तो पंजाब से सस्ता है। रुकना नहीं चाहिए बस। अपनी कार में आधा फ्यूल था, आधी टंकी थी, तो अभी इसलिए इसमें लीटर ही आया है केवल। जो ट्रकों में डलता है शायद यूरिया। हाँ यूरिया, हर बंदा पूछता है इसके बारे में है ना, हर पेट्रोल पंप पे। गाड़ियों में भी आने लगा है ना, ट्रकों में तो पहले से आ रहा है ना। BS6 जब से आई है, जब से डलने लग गया है। नजारे देखो भाई, अभी आप हम बीच रास्ते में है, 2 बज चुके हैं। नजारे देखो, सबसे बड़ी बात पता है क्या है, ट्रैफिक नहीं है बिल्कुल भी। ऑफ सीजन आए हैं ना, एक गाड़ी नहीं दिखती अपने को, एक गाड़ी। सबसे बेस्ट बात तो ये है, थोड़ा VIP सा लगता है कि हाँ हम ही है बस रोड पे, हमारे लिए टोल टैक्स काटा जा रहा है। और 200-300 रुपये जो पर्ची लेते हैं वो लोग। रोड देखो पूरा ही ऐसा है। अब हमने दे दी नवांकुर भाई को, नवांकुर भाई ने अपना एक नंबर दबा दिया और इनकी सीट हो गई फुल आगे। नवांकुर भाई भी बोल रहे थे कि मेरे को भी एक्सपीरियंस लेना है पहाड़ों में गाड़ी चलाने का,
अगर चला लो भाई इस गाड़ी में से बॉडी रोल तो है नहीं, मतलब मैं हाई स्पीड पे 60-70 पे भी ऐसी कट्स पे ऐसी मोड़ देता तो भाई, मतलब गाड़ी मजा आ ले तो उधर टिक जाए मस्त है इसका। ये सेट टू सेट करते हैं और अपना मस्त चलते हैं। यहाँ बहुत ही ठंड है बाहर, तो बहुत ही ठंड। अरे ये लोग भी तो उड़ा रहे हैं ड्रोन। कहाँ उड़ा रहे हैं? ये उड़ा रहा है ना, ये रहा उड़ रहा था। हाँ ये उड़ रहा। हमने अभी ड्रोन के लिए रुके थे हम, लेकिन बाहर जैसे उतरे तो भाई इतनी तेज हवा, भाई बोल रहे कि यार गिर गिर जाएगा, क्रैश। कोई नहीं, बहुत जगह मिलेंगे उड़ाने के लिए। तो ये बहुत ही मस्त है, देखना बाहर। अरे सनरूफ तो खोलो, धूप आ रही थी ना इसलिए बंद करी थी मैंने। यहाँ की तो धूप प्यारी प्यारी है। एसी बंद करके बाहर की हवा लेते हैं, कर दे वो तो। आपको कैसा लग रहा है साइड वाली सीट पे बैठ के? सर बढ़िया लग रहा है, आई एम इम्प्रेस्ड। जीप इज गुड कार, बस बोनेट और दिखा दे तो मजा आ जाए। इसका बोनेट ही नजर नहीं आता भाई। फाइनली हमने अपना ड्रोन भी उड़ा दिया यहाँ पे। अवानकर भाई पीछे से लग रहे हैं शॉट लेने, बहुत देर से उड़ान लग रहे हैं। मैंने कहा आपको दिखाया जाए। और अब जाता है। अरे ब्रो अरुण पवार, अरुण पवार इतने बड़े हीरो हैं, मेमोरी कार्ड ही भूल आए हैं। हाँ वेरी गुड। ये ड्रोन किसका है? आपका तो आपके पास होना चाहिए। अब देखो कुछ बनाए या फिर नहीं यार, फिर खामखा लेके आए इसको। एंड लद्दाख विदाउट ड्रोन इज सो वेस्ट। अभी ना कोई बाइकर होगा ना, उससे मेमोरी कार्ड खरीद लेंगे। दुकान भी नहीं मिलेंगी अब तो शायद, फोन फान की कहीं है ना। मिल सकती है, देखो एक बार आया क्या तब तक। कुत्ते कितने ब्यूटीफुल हैं यहाँ के देखिए। वाह, हमारे वहाँ तो पैसों से भी नहीं मिलते। सनरूफ में से हम पहली बार आप अभी मैं खड़ा हूँ, मतलब सनरूफ का वो वाला शौक है नहीं हमें ना। मतलब क्रेटा जब नई नई ली थी ना तो इतना शौक था, तो शिमला में उसमें से ही खड़े रहे। अरे चलना है ना ना, उसने कहा है रोको। अरे चलना ही है। अरे कह रहा है रोको। अरे बस वो है, मतलब गाड़ी नंबर जान रहा है। तो अभी नवांकुर भाई गए करवाने पानी पी। ठीक है बोल रहे हैं। दारचा चेक पोस्ट ढंग से यूट्यूब पे डालना। इनको पता है आजकल सभी ऐसे यूट्यूबर हैं। और अगर जैसी तबीयत खराब होए वापिस आ जाना, ज्यादा मतलब आगे मत जाना। वापिस जाने के लिए थोड़ी आगे जा रहे हैं। आगे 12 लच्छा पास आ रहा है जिसकी हाइट है 5000 मीटर, 4800 मीटर। ओके, वन ऑफ द हाईएस्ट पास हम क्रॉस करेंगे इस पूरी जर्नी में। आगे भाई नदी सी, यहाँ पे भाई ये नदी ना रोड पे शिफ्ट हो गई है। भाई बहुत लोग हमसे बोल रहे थे कि मनाली कर मत जाओ यार, हमको तो ये रूट बेस्ट लगा। मतलब नजारे आप देखो, रोड्स इतनी मस्त रोड्स हैं। ये छोटा मोटा 100-200 मीटर का चल जाता है। इतनी मस्त रोड ब्रो ड्रोन बनाई है ना। ये क्या क्या का बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ना। डॉक्टर साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार आप टेम्परेचर चेक करवाओ। टेम्परेचर? यस चेक करो। अरे फोन में आता तो है, नेट के साथ आता है। और हाइट देखो हमारी 15236। हम भाई ऐसे जिंग क्या था वो जिंग बार से ये देखो ऐसे घूम फिर के आए हैं भाई। बहुत बहुत तगड़ी ठंड है। और पीछे। अभी तो बहुत जगह है, अभी तो 100 मीटर आ जाएगी पीछे। वहां देखो बर्फ। अब भाई दिखाएंगे अपने को हम कितने एल्टीट्यूड पे हैं। 16108 फीट। और ये है 12 लाख। आपको ठंड लगी? मैं तो उतरूंगा नहीं भाई अब। चाहे कोई भी बोर्ड आ जाए यार, इतनी बुरी ठंड है यार। तो लिमिट होती है, सितंबर का महीना है, बहुत ठंड है भाई। आपको रात को टेंट में रुकना है पता है ना? होटल ही देख लेंगे यार, नहीं रुका जाएगा टेंट में। यहाँ कोई होटल नहीं होता। क्या एडवेंचरर बनोगे यार? यार बहुत ही ठंड है तो कंबल ओढ़ के सोना।
ये भाई एडवेंचर बन रहे हैं घने बड़े। पता चले कल बीमार हो गए कह रहे मेरे को हॉस्पिटल नहीं है, गूगल पे ढूंढ के। गूगल पे भी क्या ही ढूंढेंगे, टावर ही नहीं आते। जियो एयरटेल होड़ा हमारे पास तीनों की सिम है, कोई सा एक सा यहाँ पे टावर खड़ा करवा दो यार। स्टोरेज भी डालनी होती है, कब से तो 2 घंटे से हो गए स्टोरी नहीं डाली, बताओ यार। देख बांस आई ना शायद क्लच की, कुछ भी नहीं आई। नहीं आई कुछ भी नहीं आई, मेरा शीशा खुला है ना इस साइड का भाई। हाँ गर्मी ज्यादा है ना शरीर में, गर्मी बन रही है आपकी। फिर से कार मेरे हाथों में, तो 2 नंबर दबा दूंगा अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। और यहाँ पे नवांकुर भाई एडवेंचर का मजा लेते हुए, बाइकर्स के मजे हैं मस्त अपना। और मुझे समझ आता है पीछे वाला तो एकदम बोर हो जाता होगा, वो तो क्या करता है एकदम अपना ऐसे आलती पालती मार के बैठ जाता है। वो बोल रहा है उधर से देख, हेल्प करवा रहे हैं वो लोग। बाइक वाले भी फंस जाते हैं यार। भाई हमने जूते पहन रखे, तू क्या रोड पे से उतार दे गाड़ी। ऑफ रोड कर दूं? हाँ कर दे। अच्छा यहाँ पर यार इसमें तो ड्रिफ्ट भी नहीं मार सकते, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है भाई। मतलब कुछ है यार ये चीज मस्त। यहाँ कैम वैम से भी आ गए हैं सर, चू पहुंचने वाले हैं जस्ट। वरना अगर हमारी यहाँ गाड़ी फंस गई तो पीछे नेक्स्ट होने वाला है वो। ओ भाई धूल आ गई, धूल आ गई, ओ जल्दी लगाओ बंद। भाई मैं जल्दी कैसे करूँ। वाओ दिस इज ऑफ रोड जीप कंपास 4x2 लिमिटेड एडिशन। ला मैं वीडियो बनाऊं बाहर निकल के। ओके ज्यादा ड्रिफ्ट मत मारियो। ठीक है रोड से हमने उतार दिया गाड़ी। अरे भाई धूल, इसने गाड़ी के अंदर धूल। कौन सा शीशा? अरे ये शीशा खुला रह गया मेरे वाला। पर अब सीट देख। अरे जीप की कैपेबिलिटी चेक करी, क्या मस्त गाड़ी है भाई। वो तो इसमें हैंड ब्रेक फेल हो जाती है वरना और सो आ जाता। हमने कैसी हालत कर दी गाड़ी की, चढ़ा दी भाई रोड पे यहीं से। अरे एसयूवी है यार अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका क्या करें, फोटोग्राफी भाई मारियो ना। वैसे हो गई गाड़ी इससे कुछ पीछे का दिख नहीं रहा है, मजा आ गया। पर जो बात है यार आईफोन का कैमरा देखो कितना मस्त आ रहा है व्यू, देखना फाइनली पहुंच ही गए भाई सरचू, जो जिसके लिए सुबह के निकले हुए थे 5:30 बजे। अभी तो अपने को होटल वोटल कोई ढाबा वाबा ढूंढना है, क्योंकि सुबह वही मैगी और मोमोज से ही खाए और कुछ नहीं खाया। देखेंगे बैक बैक बाकी भाई ये वर्ल्ड क्लास फेमस जो सब लोग आते हैं अपनी गाड़ी को नहलाते हैं, हम भी नहला देते हैं क्योंकि ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट मार के आएगी बेचारी भाई। फिर मैं चला दूँ लेकिन ये ज़्यादा क्लोज है उसके तो ऐसे बैक लग नहीं पाएगी ढंग से, लग नहीं पाएगी।
बैग भी धो लेते हैं इसकी, फ्रंट और बैग ही धुल पाएगा ऐसे, क्योंकि ये बहुत ही क्लोज है। और हम अपने कैमरे में देखेंगे गाड़ी धुलते हुए। बस ना बाहर जाके दिखाता हूँ। यार जूते पहने हैं तूने? हाँ मैं दिखाता हूँ। अरे नहीं इतने तो, इतना पानी कहाँ है, डूब जाएंगे। अरे कुछ भी पीछे नहीं है, अभी तो और पीछे चली जाएगी। ये देखो भाई, भाई पीछे लग रहे हैं जो लोग करते हैं आगे, पर और पीछे लेनी पड़ेगी। और पीछे बाकी गाइड है तू तो भाई। हम यहाँ पे भी ये सारी जगह हैं जो हम सब जगह जाने वाले हैं। तो भाई अभी हम जम्मू कश्मीर में एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहले अपने इन्फॉर्मेशन देनी होती है पूरी, कहाँ से आए हो, कहाँ तक जाओगे, कितने बंदे हो, मोबाइल नंबर और वो सब। भाई हम सरचू पहुँच गए, यहाँ पे सही सुविधाएं हैं और हमारे जेब में पड़े कुल 1000 रुपये। और यहाँ पे रेस्टोरेंट में भी खाना है, आज हमको बेडरूम भी लेना है। तो ये मस्त जगह है, ऐसे ये होटल से बना रखे हैं बढ़िया बढ़िया, आप मस्त इंजॉय कर सकते हो। रात को भाई यहाँ पे खतरनाक ठंड होने वाली है, मतलब ये मान लो 5-4 तक पहुँच जाएगा। लोग कितने अच्छे हैं, स्वीट है। वो पूछ रहे आपने पार्किंग करी है गाड़ी की, यहाँ पे आपको कुछ चाहिए क्या? मेरे को सुनाया नहीं दिया, तो कह रही पार्किंग करी है। मैंने कहा आप क्या पूछ रहे हो? कहते मेरा क्या रेस्टोरेंट है ना। कहती हाँ यार अभी यहाँ पे हमने परांठे मंगाए हैं भाई, आलू प्याज के, देखते हैं टेस्ट कैसा होता है इतने हाई एल्टीट्यूड। 15,000 तो होगा ना लोग? 15,000 रुपये, 15,000 फीट तो होंगे ना। हम हैं सरचू है 14,500 फीट पे। इनकी भी सुनो भाई, क्या उठ के आ गए? क्या आ गए उठ के? अरे नहीं यार, मेरे को लगा भी कस्टमर नहीं आएंगे यार, वहाँ पे थोड़ा हल्ला समझ गया कस्टमर। हाँ वही तो मैं भी सोच रहा था कि यार ऐसे तो रात भर आते एक ना छोटा सा टेंट है, ठीक है उसमें क्या करेंगे ना, डबल कंबल तो है ही, अब तीन कंबल डाल लेंगे एक के ऊपर एक, तो उसमें सोना पड़ेगा। तो मैं तो रेडी हूँ। अरुण को भाई बहुत ठंड लग रही है, मैं आया बाहर, मैंने कहा यार आंटी से पूछो अरुण कहाँ गया, मैं आया बाहर गाड़ी में गाने चल रहे हैं, मैंने कहा क्या हुआ, कह रहा बहुत ठंड लग रही है भाई मेरे को। मैं तो जैकेट भी पहन रखी है गाइस। और ये देखो यार क्या आदमी हो भाई, जाटो के ही हो किसके हो? मैं यहाँ पे हिमाचलियों का हूँ। मैंने लगती टेंट नहीं पहन रखे हैं यार, टोपा वोपा सब कुछ ही। चल आ जाए फिर टेंट में, चल बैठ जाए तो कोई नहीं, तो थोड़ी देर ना ना, चल टेंट ही करते हैं, सोएंगे यार फिर डायरेक्ट। चलो ठीक है चलो। कहाँ घुसा दिए भाई? अरे भाई चिपक चिपक के सो जाएंगे, तभी गर्मी बनेगी। मेरे को तो ऐसी ठंड लग नहीं रही, पर हाँ रात को हो जाएगी थोड़ी सी। और भाई में आ रही है नहीं धर तो क्या हो गया भाई, नीर ये इंसुलेटर लगा रखे है भाई नीचे। वो देख लो एक बार, रूम देख लो यार, देख ये एक्सट्रीम हो जाएगा ना अंकुर भाई। अरे यार ट्रिप सी मेरे दोस्त ने -30 में करी है, -30 बर्फ सारी जगह। ये देखना भाई कौन कह देगा इसमें दो बंदे सो जाएंगे। यार हाँ कह नहीं सकता पर सो जाएंगे। चलो उनसे पूछते हैं। तो नवांकुर भाई को बहुत शौक है बाहर देश में हॉस्टल लेने का, तो यहाँ भी एक तरीके से हॉस्टल टाइप ही मिल गया। वैसे तो बहुत अच्छा है, 200 रुपये पर पर्सन है ना। कहाँ और टेंट में सुला रहे थे रात में, हालत टाइट हो जाती। तेरा कोई टेंट लेते नेक्स्ट टाइम ना भाई, टेंट हमारे पास की ना, इतना एक्सट्रीम एडवेंचर। चलो भाई गुड नाइट, कल ले पहुंचेंगे ठीक है भाई, सो जाओ सब। टाइम वेस्ट कितना हो गया ये तो बता दूं, 8-10। और ये भाई गुजरात से स्लेप्ट, गुड नाइट भाई। गुड नाइट भैया। गुजरात के यार लोग बहुत अच्छे होते हैं। सही है। चलो भाई बाय।